नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के पिटारे से हम एक और बेहद रोमांचक और सांस रोक देने वाला मुकाबला लेके आपके सामने हाजिर हैं, जो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन की ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक क्रिकेट प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। किसी भी टीम को ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी टीम यहां बाजी मार ले जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको बता दो दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन के शानदार 57 रन और कप्तान सुरेश अय्यर के 43 गेंदों में 53 रन की कप्तानी पारी की बदौलत अपने 20 ओवर में 161 रन बनाती है और राजस्थान रॉयल्स के सामने 162 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देती है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहती है। ओपनर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी बल्लेबाज सेट होकर बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था और गलत शॉट खेलकर विकेट गवा के पवेलियन लौटते जा रहे थे। ओपनर बेन स्टोक्स की बात करें तो 41 रन, जॉस बटलर 22 रन, संजू सैमसन 25 रन, रॉबिन उथप्पा 32 रन और यही कारण रहता है दोस्तों कि मुकाबला चले जाता है लास्ट ओवर में, जहां राजस्थान को ज़रूरत होती है 22 रनों की। राजस्थान के तरफ से बेहतरीन फिनिशर राहुल तेवतिया मौजूद थे मैदान पे, वहीं दिल्ली की तरफ से लास्ट ओवर लेके आते हैं तुषार देशपांडे। पहली गेंद वाइड चली जाती है दोस्तों और अगले दो गेंद पर एक एक सिंगल ही आ पाता है। यहां से अब राजस्थान को 4 बॉल में 19 रन चाहिए जीत के लिए। तीसरी गेंद राहुल तेवतिया खाली निकाल देते हैं, वहीं चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया सिंगल ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसी सिंगल के साथ लगभग मुकाबला समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब यहां से 2 बॉल में जीत के लिए 18 रन की जरूरत होती है। पांचवी गेंद पर श्रेयस गोपाल जरूर एक चौका लगाते हैं, लेकिन ये चौका उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकती थी। और आखिरी गेंद पर श्रेयस गोपाल आउट हो जाते हैं दोस्तों और उनके विकेट के साथ ही बेहद नज़दीक जाके राजस्थान रॉयल्स यह मुकाबला 13 रन से हार जाता है। एनरिक नोकिया को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाता है।